दिस इज आवर लास्ट नाइट टुगेदर. चल रहा है, दिया बुझेगा तभी कुछ हो जाएगा. यस, ऐसा लग रहा है कि सब कितना मोनोटोनस सा हो रहा है सब कुछ, घर का भी देख नहीं पा रही हूँ. तो मैं रोमांटिक डिनर में मैं हड्डी बन के क्यों बैठू मैं? बट बहुत लव तुझे लव में. अब हम फेस्टिवल जाएंगे. फिर कुछ ऐसा हो जाता है, फिर लाइक यू नो दिस सिटी इज नेवर गोना एक्सेप्ट मी. हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग. आज मैं जा रही हूँ कोलैबोरेशन शूट करने के लिए. आई एम कोलैबोरेटिंग विद प्रबलीन. वी आर डूइंग एक इंडियन आउटफिट के ऊपर ट्रांजिशन. दिस इज फॉर फेस्टिव सीजन. और पता है एकदम प्रोफेशनल शूट होने वाला है. सेटअप रहेगा इसमें, हेयर और मेकअप आर्टिस्ट भी रहेंगे. मुझे अपना हेयर और मेकअप नहीं करना पड़ेगा. सो इट्स गोना बी फन. आई नीड टू लीव राइट नाउ क्योंकि 45 मिनट्स लग जाएंगे मुझे. सो आई एम कैरिंग सम स्टफ विद मी. दो पेयर ऑफ हील्स रख लिए, ट्रांजिशन वाले कपड़े रख लिए, स्किन केयर रख लिया, परफ्यूम. नाउ लेट्स पैक एंड गो. Guys, I reached. That's Prableen and Ashi filming. Ashi, say hi. Hi. Prableen. थोड़े वाइट वॉश लग रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर लाइट है ना. दे आर लुकिंग सो प्रिटी लाइक अ मरमेड. ओके, ये जो स्टूडियो आपको दिख रहा है ये मानव और उन्नति का स्टूडियो है. दे आर क्रिएटर्स. दिस इज मेड एंड डिजाइन बाई क्रिएटर्स. सो ह्यूज. ये एक हॉल है, उसके पीछे भी एक हॉल है. एंड दैट्स आर आउटफिट. This is mine, ठीक है, pink वाला. It's a lehenga. And this is Prableen's. This is by Chabra. Prableen is so sweet, so kind. वो सबको पूछे क्या खाओगे? Basic human ये होने चाहिए. Anyone wants to have? Yes. And she is offering dragon fruit to us, guys. Shruti is also very very nice. Thank you, Shruti, for your dragon. I was like, they are so sweet and kind people. खाना वाना दे रहे हैं. We are starting off with makeup. आपको पता नहीं है मैं 3 साल बाद किसी और से makeup करवा रही हूँ. I do my own makeup. Okay guys, I am ready. प्रवीण के हिसाब से this is South Bombay दिवाली पार्टी वाला लुक लग रहा है ये. बट आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ लाइक ब्राइड्समेड लुक. बहुत ही क्यूट फन सा सॉन्ग भी है वो, सिंग यू टू नाइट. इट्स अ बैड आइडिया राइट. मैं फिर वो डांस विथ मी बेबी वाला जो सॉन्ग है ना वो कर रहे हैं हम लोग. मैं आपको पूरा आउटफिट दिखाती हूँ. वेट वेट, लेट मी ट्रॉल फॉर यू. दिस इज द आउटफिट. Guys, behind the scenes, हमारे वीडियोग्राफर को देख लो, उन्होंने बहुत मेहनत की. मीन जॉय राइट? यस. अभी हम लोग प्रबलीन की गाड़ी में है. आई एम ईटिंग सिनेमन रोल जो प्रबलीन ने मुझे दिया था खाने के लिए बहुत टाइम पहले, बट अभी मैं खा रही हूँ. भूख लग रही है मुझे. एंड बाय द वे प्रबलीन ने क्या एकदम मस्त शिमला कर दिया आपने प्रबलीन यहाँ पे. ये बहुत लोग का प्रॉब्लम है बट It's what the body needs at this point. Guys, हम लोग शादी मुबारक आए खाना खाने के लिए. पहले हम लोग घर जाने वाले. शादी मुबारक नहीं है, प्रताप ढाबा है. उसमें शादी मुबारक लिखा है. That's the dhaba. Yes. ये न्यू लिखा हुआ है उन्होंने. शादी मुबारक एक्चुअल में सिर्फ द ढाबा है. और मैप्स तो फिर प्रताप कौन है? प्रताप ढाबा है बट नॉर्मली द ढाबा बोलेंगे तो भी मिल जाएगा. इतना कॉम्प्लिकेटेड लगा मुझे. Guys, we made it अंदर. And she is making me eat ये garlic masala. Bro, मैंने कभी ऐसे garlic अलग से खाया नहीं है. ये ले ले. Bro. नहीं पसंद. But I will eat it for you. ज़्यादा मसाला लो. वाला ले. ये ही ले. पता है ब्रेड के ऊपर इट भी सुप्रिया को बहुत पसंद आता है ये. इस वक्त शाम के 7 बज रहे. तो कल डिनर के बाद प्रवीण ने मुझे घर भी ड्रॉप कर दिया. काफी अच्छा लगा मुझे उससे मिलके, उसके साथ कोलैब करके, बातें करके. घर आने के बाद मैंने ना फटाफट मेकअप उतारा अपना क्योंकि बहुत समय तक मेकअप मैंने पहन के रखा था. आई नो गाइज, जो मेकअप मेरे ऊपर हुआ था ना, दिस वॉज नॉट द बेस्ट मेकअप लुक. आई रियली फेल्ट कि कुछ तो कमी थी यू नो. एंड वो फाउंडेशन भी मेरे स्किन टोन का नहीं था. और वो मेकअप आर्टिस्ट इतने स्वीट थे कि मैं उनको कुछ ऐसा बोल नहीं पाई कि प्लीज अभी थोड़ा डार्क कर दो फाउंडेशन या कॉन्टोर कर दो, ब्लश और एक्स्ट्रा लगा दो. क्योंकि मेकअप हेयर अच्छा हो तो वो कॉन्फिडेंस लाता है आपके अंदर यू नो. सो आई वॉज लिटिल लो ऑन कॉन्फिडेंस यस्टरडे बट आई वॉन्टेड टू स्टिल गिव माई बेस्ट. क्योंकि हम किसी और के साथ कोलैब करें ना प्रवीण के साथ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो पूरा वीडियो खराब हो जाए. anyway, अभी ना हिमाद्री भी वापस आ रही है गोवा से. आज सुप्रिया
सुप्रिया नहीं आएगी, कल आएगी सुप्रिया सुबह, एंड कल नायका लैंड भी है तो मुझे उसके लिए टिकट्स भी बुक करना है और मुझे डिनर का भी देखना है। हिमाद्री ने बोला उसको घर का खाना खाना है, उससे पहले मुझे ये घर सुधारना है। मतलब क्या हालत बना के रखी है मैंने। शालिनी व्हाट इज दिस, आई मीन प्लीज डोंट जज मी गाइस, आई वाज शूटिंग द एंटायर डे, इसकी वजह से ऐसा मैस हो गया है। लेट मी जस्ट फिक्स दिस इन 3, 2। आई एम मेकिंग खिचड़ी, हिमाद्री भी आ चुकी है। तुझे पता मैंने पहली बार खिचड़ी बनाई है। हाँ, सुप्रिया मेक्स इट, मैंने उसको हमेशा देखा, आई हेल्प हर आउट विद खिचड़ी। दीदी ने बहुत डिफरेंट तरीके से खिचड़ी बनाया, मैं सारा प्रेशर कुकर में डाल दिया। हाँ, दैट इज आल्सो गुड वे टू मेक, वो भी अच्छा लगता है। ओके, मैं रेडी हुई हूँ। मैं और हिमाद्री अभी ओबराय मॉल जा रहे हैं। आज हिमाद्री का कोई इवेंट है, आई एम नॉट श्योर कौन से इवेंट में वो जा रही है, बट शी वॉन्ट्स टू बाय सम क्लोथ्स। ऑटो से जाने वाले, हिमाद्री को बड़ा मज़ा आता है ऑटो में ट्रैवल करना, मुझे भी अच्छा लगता है, पर बाहर गर्मी है, आई होप पिघल ना जाऊँ मैं। दैट्स माई गर्ल इन 3। हिमाद्री एकदम सोबो चिक लग रही है। मुझे बोला गाना याद आ गया, हिमाद्री सिंह विद मी, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव में करता हूँ, गो फॉर इट। लव तुझे लव में करता हूँ। हम लोग चायोज आए, हिमाद्री मुझे कहीं भी कुछ भी पे करने दे रही है। हाँ, दैट वाज आवर नेम जो उसने ऐड किया, वो मुझे कुछ भी पे करने नहीं दे रही, कुछ भी नहीं। सबको बोलती है मेरा बर्थडे तो मैं पे कर रही हूँ उनके लिए। ऐसे ही तो फिर चलो, फिर फॉरएवर न्यू चले, गुची चले, गुची। ओह नो, पता है पीछे क्या लिखा है हिमाद्री तेरे? वो सुकून से जीते हैं जो चाय पीते हैं। Cheers to that. But what about coffee people? नहीं। We are back home. Actually, 1 घंटा हो चुका है हमें आए हुए। मैंने हिमाद्री को बोला कि तू सो जा, थोड़ा रेस्ट ले ले, उसके बाद उठ के अच्छे से रेडी होके जाना, सो दैट यू विल फील बेटर। आई फील लाइक स्लीप कितना मैटर करता है, हम लोग कितना इग्नोर कर देते हैं। एंड आई वॉज एडिटिंग अ व्लॉग, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, जब मैं व्लॉग भी एडिट कर रही थी ना, मुझे लगा था कि पता नहीं कौन देखेगा, देखेगा कि नहीं, बट आई नो कि यू गाइज लाइक लव टू वॉच बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, स्पेशली जब से मैं मुंबई शिफ्ट हुई हूँ। ऐसा लग रहा है कि सब कितना मोनोटोनस सा हो रहा है, सब कुछ घर का भी देख नहीं पा रही हूँ, एवरीथिंग इज सो लाइक इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है। सो कुछ दिन निकाल के मुझे सिर्फ घर का देखना पड़ेगा, एक बार में एक काम, यू नो, जैसे हॉल सेट कर लूँ फिर रूम सेट कर लूँ वैसा वाला। सुप्रिया अभी तक आई नहीं है, शाम को बोला था उसने पहुँच जाएगी, बट शी इज़ नॉट होम येट। चलो हिमाद्री को उठा देते हैं, जाना है ना, उठ जा, चाय बना दूँ? नहीं। पक्का? Yes, thank you. कॉफी? माई गर्ल इज रेडी एंड माई अदर गर्ल केम। हमने कितना मिस किया तुमको, यू हैव नो आइडिया। मैंने भी बहुत मिस किया। Who did your eye makeup? Me. Who did your hair? कैमरा घुमाओ, कैमरा घुमाओ, कैमरा घुमाओ, कैमरा घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ। Me. This lady. This. Wow, light. She's super late. हिमाद्री चली गई। I think she's on time. By the way, मैं और सुकू बना रहे हैं पास्ता। इस बार हम लोग पास्ता में ब्रोकली ऐड कर रहे हैं। सो दिस इज पिंक सॉस पास्ता। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए, आई एम गोना प्रोवाइड वाइटी शॉर्ट का लिंक। दिस इज सूपीज रेसिपी, ओके? एंड दीज आर ऑल आर वेजिटेबल्स सॉटेड। इस बार ना हम लोग ने ये वाला पास्ता यूज किया है, दिस इज नो मैदा पास्ता, एंड पास्ता इज रेडी। लुक एट दिस गाइज, इट लुक्स सो यमी, टेस्ट सो यमी। गुड जॉब सुकू, थैंक यू सो मच। बस 4-5 दिन फिर अकेले ऐसे बना के खाना पड़ेगा मुझे। कोई नहीं, याद करेगी, बाकी मेरे को सिखा के जा रही हूँ। नहीं, जैसे तू मुझे मेकअप सिखा रही है, मैं तेरे को याद करूंगी, वैसे तू खाना टाइम मत करेगा। वी ऑल आर रेडी, हम लोग जा रहे हैं महालक्ष्मी नगर। सुबी का महालक्ष्मी रेस कोर्स नगर नहीं, सॉरी, क्या हो गया मुझे। सुबी इज रेडी, लुक सो प्रिटी, दिस इज मी, दैट्स माई वॉटर, थैंक यू सुपी। और हेमू बुक कर रही है कैब, हेमू। ये मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ सुपी को ले जाने के लिए, दैट्स B2 फेस्टिवल, लेट्स गो टू नायका लैंड गाइज। ऐसा लग रहा है हम लोग ना वैसे छोटे छोटे बच्चों के साथ से घूमने निकले हैं, अब हम फेस्टिवल जाएंगे। सो यहाँ से ना बॉक्स ऑफिस से हमको ये कलेक्ट करना था, बैंड पहना दे सुपू को। मेरा हमेशा सपना था ये करने का। डोंट लूज इट, ओके सुपू,
two dreams are getting fulfilled here. Got it! I think Soupy is amazing. Soupy ka face dekho aap log. Mera Soupy, I'm looking at everything. मैंने और सूपी ने फोटो खिंचाया एल्फ के बूथ पे. ये है गाइस, के बाय ब्यूटी में कैटरीना आई है एंड एवरीबॉडी इज हियर फॉर अ झलक. कैटरीना तो दिखी नहीं हमको, सूपी को थोड़ी बहुत दिख भी गई क्योंकि उसकी हाइट है. कोई बात नहीं, बट शी वाज लुकिंग सो प्रिटी. और अभी हम लोग खाने के लिए आ गए थोड़ा बहुत कुछ. सो वी आर हैविंग पनीर बन कैपेचिनो आइस लाटे. इट्स नॉट दैट ग्रेट बट चलेगा. मैंने सुबह से कॉफी नहीं पी थी. हेलो, वी आर डन विद द इवेंट. अब बस हम खाना खाने बैठ गए. लेट्स जो भी दी सूपी श्वेता दी. आई हैड सो मच फन. और मैं जो भी को बोल रही थी कि आई एम सच अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स. मैं आपका कंटेंट इतने टाइम से देख रही हूँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा मैं आपके साथ बैठ के खा रही हूँ. एंड आई सेड दैट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर. ओह माय गॉड, मैं भी इसकी फैन हूँ. सब एक दूसरे के फैन हैं. सो वी लेफ्ट नायका लैंड एंड लुक व्हाट हिमाद्री इज कैरिंग. हिमाद्री हो गया उसका, लीव इट बिहाइंड. वी आर गोइंग टू पैलेडियम. अभी हम लोग फॉल्स आ गए, बेसिकली हम लोग पैलेडियम मॉल आ चुके हैं. हम लोग सोशल गए थे, वहाँ पे हमको एंट्री नहीं दी. हम लोग पंजाब में गए थे, वहाँ पे नहीं. तो अभी हम लोग फॉल्स में आए हुए. आई ऑर्डर दिस चिकन ग्रिल्ड पिज्जा, लुक सो यमी. सो एक्साइटेड टू हैव फूड. आफ्टर फूड वी आर गोइंग बैक होम. देखो हिमाद्री सो चुकी है गाड़ी में. शी इज सो टायर्ड. हमारा बच्चा ना, रात भी होगी ना 12 बज के. हिमाद्री लेफ्ट, फाइनली हमारी लिफ्ट भी चालू हो गई. ओके, हिमाद्री और सुप्रिया की याद में मैंने ये फोटो रख ली है, मार ली उनसे. अब मैं इनकी फोटो देखा करूंगी जब भी याद आएगी मुझे. दिस इज़ मी कपल ऑफ आवर्स लेटर. मैं बाहर गई थी किसी काम से, आपको किसी और वीडियो में पता चलेगा किस काम से. एंड मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी. ऐसा लगता है कि बस 1% आई एम देयर एंड मुंबई इज़ एक्सेप्टिंग मी. या फिर कुछ ऐसा हो जाता है फिर लाइक नो दिस सिटी इज़ नेवर गोन एक्सेप्ट मी. आई नो आई शुड नॉट जज इट ईजली. और 1% की वजह से मुझे पूरे मुंबई को जज नहीं करना चाहिए. बट आई वॉज वेरी अपसेट ऑनेस्टली. बट आई एम सो मच बेटर नाउ. मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा अपसेट. सुबह तो क्या कहती है, पहले मेरे शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती है. लर्न ना, दिस इज अ लेसन. एवरी इवेंट इन योर लाइफ इज अ लेसन यू लर्न फ्रॉम दैट. वो अच्छा हो या बुरा हो, राइट. एंड इट्स गुड थिंग ना, बुरे लेसन से आप ज्यादा अच्छी चीजें सीखते हो. अच्छे तो आप भूल जाते हो. पर मैं कितने इजी लोगों पे ट्रस्ट कर लेती हूँ ना. मेरा ट्रस्ट जब ब्रेक होता है ना, मुझे बहुत खुश होता है यार. ऐसा होता है लाइफ में, बहुत होता है. ओके सुपी, वी विल फॉरगेट अबाउट दैट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग. सुपी का आज व्रत है. किस चीज का व्रत है सुपी? दिस इज अहोई अष्टमी, जो राजस्थान साइड मतलब मेरे इन लॉ साइड होता है. दिस इज सेम लाइक करवा चौथ, मतलब पानी भी नहीं पीते हैं. एंड वी हैव टू सी तारे, तारे देखने के बाद आप व्रत तोड़ सकते हो. एंड मुंबई में आई कैन नॉट सी तारे, मैं चार तारे देखती हूँ. या चार तो चलो मुंबई में जाएगा, तारे का आई हाईली डाउट. क्योंकि मैंने खुद ने नहीं देखे जब से मैं आई हूँ तारे. एंड डन विद माय कुकिंग. यस, सुपी ने आज बनाया है भिंडी की सब्जी. आई हेल्प हर इत्तू सा आई हेल्प हर. वो मेरे को करने भी नहीं थी. मैंने कहा नो आई नीड दिस सूपी एंड टू डिस्ट्रैक्ट माय सेल्फ. और हाँ, वो मुझे ये खाने नहीं दे रही है. वो बोल रही प्रसाद का है, ये मत खाओ. मैं प्रसाद को तेरे को सारा दे दूंगी, तू ही. मैं आई एम वेरी अपसेट सूपू, आई नीड दिस इन माय लाइफ. वैसे है क्या इसको बोलते, क्या इसको पुए बोलते हैं? पुए,
हमारा प्लान ये है कि मुंबई में तारे नहीं दिखे तो हम लोग हिमाद्री को वीडियो कॉल करेंगे और बोलेंगे तारे दिखा दो वहाँ देहरादून में, क्योंकि आंटी का भी व्रत है वहाँ पर। चल सब तुझे रेडी करेंगे, मैं एक्साइटेड अबाउट दैट। मेरा मूड अच्छा हो गया, दिस इज समथिंग दैट आई लव एंड आई एंजॉय। सुपू को मैंने रेडी कर दिया है और सुपू अभी पूजा कर रही है। कितनी अच्छी लग रही है तू सुपू, मुझे पता है। मुझे पता, मुझे बहुत प्यास लग गया सुपू। यार मुझे बहुत ही ज्यादा, मतलब भूख से ज्यादा ना, आई एम जस्ट, हाँ आई नो मैं भूखे रह सकती हूँ, बट पानी की आदत है ना। अभी यहाँ पे पूजा करेंगे हम लोग। आप लोग प्लीज कमेंट मत करना कि देखो तो एक फोटो नहीं खरीद पाए करके। कोई बात नहीं गाइस, श्रद्धा और भक्ति दिल से ही होनी चाहिए, ठीक है। मुझे स्टोरी भी आनी है तो प्लीज गाइस डोंट जज मी। और सुपू फिर पार्वती जी उस गांव में रुकी, उस गांव में वो सिंदूर बांटने वाली थी सुहागनों को। जो भी गरीब लड़कियां थी, औरतें थी, वो जल्दी आ गई क्योंकि वो तैयार नहीं हो रही थी, और जो भी तैयार हो रही थी वो लेट हो गई। जब वो आई तब तक सिंदूर बांट चुका था। फिर वो आई तो उन्होंने बोला पार्वती जी हमें भी सिंदूर चाहिए, आपने ऐसे सिंदूर सबको कैसे बांट दिया। फिर शंकर जी बोलते हैं कि जब ये भी आई है तो इनका भी समान अधिकार रहता है। तो फिर पार्वती जी अपना सिंदूर निकाल के सबको बांटती है। इसलिए हर पूजा के बाद में हम लोग सिंदूर पार्वती जी से लेते हैं, ताकि वो बांट रही है और हम ले रहे हैं। नाइस, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। एक हाथ से चढ़ाते हैं और उसी हाथ से लेते हैं। अच्छा लगा मुझे सुन, थैंक्स सुपू। 35th फ्लोर के ऊपर जा रहे हैं हम लोग। सुपू मैं बोली थी सुपू कि फास्ट लिफ्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सुपू बोलती कुछ नहीं होगा, दिया जल रहा है, दिया बुझेगा तभी कुछ हो जाएगा। यस शट अप सुपू, ऐसा कुछ नहीं। चलो किसे ढूंढ रही है? नहीं वो तारे ही है, आई थिंक दैट्स अ पोल स्टार। सुपू हमको एक तारा दिख गया, छत पे आ गए हम लोग। तारे आई नहीं बोलेंगे मां, तारे क्या जमीन पे आएंगे, तारे तो है। दिस इज मुंबई, ओके मुंबई इज लाइक, एक तारा दिखा दिया ना मैंने बस, बाकी तुम मेरा स्काईलाइन देखो। सुपू स्काईलाइन देख के तोड़ दे, बहुत सारी स्काईलाइन। लुक हाउ प्रिटी द स्काईलाइन लुक्स, वाओ। मम्मी मैं मुंबई में रहती हूँ, मुंबई में यहाँ पे पॉल्यूशन इतना है। ऊपर करके फोन आंटी, आप जाओ नीचे फिर मैं बताती हूँ। आंटी सो नाइस, वो बोल रही पानी वानी पी के करना चाहिए था उपवास, एंड शी इज लाइक नहीं मैं तो एकदम अखंड वाला रखूंगी मैं। ये फाइनली सुपू एकदम पानी का काम पानी कर सकता है। भूख नहीं लग रही थी मुझे, प्यास लग रही थी। आई अंडरस्टैंड। चल ओके, खाना पीना हो चुका है फाइनली। हम लोग ये एलेक्स ड्रॉर अरेंज कर रहे हैं, वी नीड टू अरेंज दिस लाइक दिस सुपू। सो फार हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। मैं बोल रही थी सूपी को कि सूपी ये थोड़ा सा ना यहाँ से डैमेज है, तो सूपी क्या कहती है सूपी आपने लाइफ से तो कम ही डैमेज है। अब बोलती लाइफ से कम ही डैमेज है ये, तो भी ये जोक्स आर गेटिंग बेटर आई थिंक। गाइस आई एम ऑलमोस्ट डन विद इट, जस्ट सम फाइनल टचेस, लास्ट 4 स्क्रू बचे हैं सूपी। थोड़ा सा टूटू फूटू हो गया है बिकॉज इट केम टूटू फूटू, ओके हमारी कोई गलती नहीं है, बट ऐसे करके देखेंगे तो नहीं दिखी। अरे मेरे हाथ दुख गए राइट वाले, तो मैं लेफ्ट वाला थोड़ा यूज कर रही हूँ। मेरे राइट वाले हैंड में तो बाइसेप ट्राइसेप्स बन चुके होंगे अब तक, ऐसे लग रहा है। गो शालू गो सुपी, यू नॉट हाइपिंग मी अप, यू कैन डू दिस, थैंक्स। ये वी आर डन, वेरी गुड सुपी, चुटकी की बजाय तुमने ट्रांजिशन ऐसे वो चुटकी लग रही नहीं था, ये बहुत मेहनत की है। दोपहर में हिट हो रहा था, मैं रो रही थी सुपू, मैं तुझे बताया नहीं, लगा ये बोलेगी लड़की हर चीज में रोती रहती है, तो मैं रो रही थी, पर मैं तुझे बता रही हूँ। मुझे एकदम बीच में हिट होता ना तो मुझे एकदम रोना आना शुरू हो जाता, जब तू वापस आई तब तुझे ज्यादा बोल रही। कुछ तो बोलो लोगों के लिए, लोग तो बहुत अच्छे, मैं वापस आती रहूंगी, कभी कभी बीच बीच में मिलती रहूंगी मैं। मतलब तुझे मन नहीं कर रहा जाने का, सच नहीं कर रहा पर जाना पड़ेगा। आई हैव सम रिस्पांसिबिलिटीज, शी इज अ मैरिड पर्सन, मैं उसको वही बोलती कि उसकी शादी नहीं होती ना तो
शादी नहीं होती तो वो यहाँ होती भी नहीं मेरे साथ, पता है. इट इज बिकॉज शी इज मैरिड, दैट्स द रीजन ऑल्सो शी इज हियर विद मी. अदरवाइज शादी नहीं होती तो मैं भी अकेले कहीं रह रही होती. अकेले कहीं रह रही होती अपने जॉब, जहाँ पे उसका जॉब होता है वहाँ पे कहीं. एक्चुअली जो आप लोग कहते हो ना, एकदम द बेस्ट रूममेट वन कैन आस्क फॉर. शी इज लाइक सर्वगुण संपन्न लड़की हमारी यार. मेरे को ना अपनी फ्रेंडशिप पे नजर ना लगा ले कोई. सुपू सब लोग वुड शो, सब लोग वुड शो. टचवुड टचवुड टचवुड. सुबह के 4 बज रहे, मैं सोई नहीं हूँ बिल्कुल भी, बिकॉज समथिंग हैपेंड. एयर इंडिया की फ़्लाइट थी मेरी, थी बोल रही हूँ मैं, आप समझ रहे हो ना. तो बेसिकली एयर इंडिया वालों ने मेरी फ़्लाइट कैंसिल कर दी, और उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि वो कॉल करते हैं या मैसेज ड्रॉप करते हैं या बता दें कि ऐसा करते हैं. उन्होंने बस एक ईमेल ड्रॉप कर दिया एंड दे वाले कि पढ़ लेगी तो ठीक है, नहीं तो आ जाएगी एयरपोर्ट और उसको वहाँ पता चल जाएगा. सो पिछले 3 घंटे से आई वॉज लुकिंग इन टू डिफरेंट फ्लाइट्स, परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगा रही थी कि मैं कैसे घर जाऊँ. आई वॉन्ट टू रीच होम बिफोर दिवाली. और जैसे तैसे मुझे 8 तारीख की फ़्लाइट जो सस्ती दिखी, वो जो कि सस्ती नहीं है वैसे तो, 12,500 रुपये की फ़्लाइट पड़ी मुझे. मेरी आज से फ़्लाइट कैंसिल नहीं है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव एक्सपीरियंसेस समथिंग लाइक दिस. कोई नहीं, अभी तो कर दी है मैंने फ़्लाइट, इंडिगो की है मैंने. बस उम्मीद करो कि वो कैंसिल ना हो, मैं घर पहुंच जाऊँ दिवाली के लिए. सोपू मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई. सोपू बहुत ही अच्छा, यू हैव विश्ड फॉर इट ना. मैं कल इसको बोल ही रही थी कि मेरी पोस्टपोन हो जाए. इसे अच्छा अंबानी की शेयर मान लेती. अंबानी की शेयर बोलती 10 करोड़ क्यों नहीं मांगे तू निकल. मैंने कैंसिल नहीं, मैंने पोस्टपोन मांगा था. पोस्टपोन और अब मेरे को इसको हल्का करना पड़ेगा. ये 18 केजी सोचा था मैं एयर इंडिया में लेके जाऊंगी, 20 के लिए अलाउड करते हैं. 2 केजी चलो मैं उनको माफ कर देती हूँ. मेरा हो गया ये, उसको 15 केजी करना पड़ेगा. सुपी इज ऑल्सो लिविंग टुमारो, तो उसने जो रेंट टिकल से अपना ऑफिस का टेबल चेयर मंगाया था वो पिकअप के लिए आ गया है, तो हमने सब खाली कर दिया. ये दिस इज द टेबल and this is the chair. Bye bye. मैं बिंदी क्यों लगा के बैठ. मैं बिंदी लगा के है, तू भी बिंदी लगा के. मैं तो याद ही नहीं था. मैं और सुप्रिया शूट कर रहे थे इसकी वजह से बिंदी. बट शूट के बाद सुप्रिया गई थी हेयर कट के लिए, बहुत ही अच्छा हेयर कट किया उसने. मैं दिखाती हूँ आपको. लुक एट हर, दिखा फेस फ्रेमिंग, दिखा अपना. वेरी नाइस, ऐसे हेयर कट सूट करते हैं. वरना उसके एकदम स्ट्रेट बाल थे ना, तो अब ये वाले बाल एक से फ्रेम हो गए. अच्छे लग रहे हैं सुप्रिया. तूने उसको जाके वही बोला जो मैंने तुझे समझाया था, जो मैं तुझे समझा के भेजी थी. मैं तो खुश हूँ सुप्रिया. क्या तुम खुश हो? यस मैम. सुप्रिया मैंने पैकिंग कर ली और 16 केजी हो रहा है. अब मेरे को 1 केजी हटाना पड़ेगा कहीं से. हटा दे. क्या हटाऊं? 1 केजी पे कर देना. मैं किसी को कुछ पेमेंट नहीं दे रही अब, ठीक है? ऑलरेडी बहुत फ्लाइट में खर्चा हो गया मेरा. मेकअप पक्का सही है ना, कुछ भी नहीं करूँ ना. तेरा मेकअप पक्का सही है, तुझे मेरे मेकअप पे भरोसा नहीं है. मैंने किया तेरा मेकअप. सुप्रिया इज ऑल रेडी फॉर हर एनिवर्सरी डिनर. अब ये तो वेडिंग एनिवर्सरी ये वाली है ना. एक्चुअली कल है बट कल सुप्रिया इज लीविंग, तो आज ही और हमें जा रहे हैं. आई गिव हर माय ड्रेस टू वेयर. 12 मतलब 12 तो कर नहीं सकते. घूमो घूमो घूमो. यस गो हैव फन. वो मुझे बोलती है चल ना साथ में, चल ना. मैंने बोला तेरी एनिवर्सरी डिनर में मैं तुम दोनों के बीच में जाके क्या करूंगी. व्हाट विल आई डू माय रोमांटिक डिनर में. मैं हड्डी बन के क्यों बैठू, मैं क्यों बनू मैं कबाब में हड्डी. तू मिले दी नीर डोसा. नीर डोसा नहीं, रागी डोसा ऑर्डर कर रही हूँ. आई लव रागी डोसा. 11 बजे फ्लाइट में तेरी. बहुत जाना ढंग से. ओके, आई सी यू सून. सुपर सो के फाइन प्लीज.